हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आ गया हूँ कार.डील.कॉम में। यस, यहाँ पर जैसे आएंगे क्वालिटी छोड़ के दूसरा कुछ गाड़ी दिखेगा नहीं, और प्राइस जो होगा सीरियसली क्वालिटी का हिसाब से एकदम सही है। यहाँ पर जैसे आएंगे काफ़ी सारा आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आएंगे हैचबैक बोलिए, सेडान बोलिए, एसयूवी बोलिए, लक्सरी गाड़ी। बहुत लोग मुझे बार बार बोलता है भैया लक्सरी गाड़ी दिखाइए। यहाँ पर जैसे आएंगे लक्सरी गाड़ी भी दिखेगा, जैसे ऑडी बोलिए, जैगुआर बोलिए, मर्सिडीज बेंज बोलिए, जैसा जिसका बजट है हर बजट के हिसाब से यहाँ पर पूरा गाड़ी रेडी है। आप लोगों को सिर्फ आना पड़ेगा, गाड़ी पसंद करना पड़ेगा और बिंदास बेफिकर लेके जाना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आप सभी को मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे ऐसे ही बहुत अच्छा अच्छा कम प्राइस के ऊपर मैं बहुत सारा गाड़ी दिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं हूँ स्वरूप, आप देख लो कल का सस्ता बाजार, चलून शुरू करा जा। नमस्कार। कैसे हो आप पहले बोलिए। अच्छे हूँ। बढ़िया हो? हाँ बढ़िया है, एकदम बिंदास हो? हाँ ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सारा न्यू व्यूअर्स है, आपका थोड़ा नाम बोल दीजिए, कंपनी का थोड़ा सा एड्रेस बोल दीजिए। हाँ, मेरा नाम रूमी दे और ये कंपनी का नाम है कार.डील.कॉम प्राइवेट लिमिटेड। ये शॉर्टलेक स्टेडियम जो फुटबॉल स्टेडियम है गेट नंबर 1 के पास ही है। एकदम फाइनेंस का सुविधा है? हाँ फाइनेंस भी हो जाता है, आराम से हो जाएगा, आराम से। अच्छा, लास्ट टाइम कैसा रिस्पॉन्स था थोड़ा सा जान लेंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, आप लोग ज़रूर बोलेंगे एक बार कि कलकत्ता सस्ता बाजार या स्वरूप दा का वीडियो देख के आए हैं या कॉल कर रहे हैं, जो भी है आप लोग ये जरूर बोलिएगा। डिस्काउंट मिलेगा आप लोग अगर मेंशन करेंगे मेरा नाम या चैनल, डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, मेरा कोई डिस्काउंट नहीं है आप लोग के लिए, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं, आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करके खत्म करेंगे। ओके, ठीक है मैडम जी, पहला गाड़ी मैं जान लूँगा। हाँ, ये पहला गाड़ी लोगो देख के तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, ऑडी है, ऑडी A4। मतलब ऑडी में लग्जरीज में छोटा सेडान बोलते हैं, तो छोटा सेडान और कलर भी है व्हाइट कलर, जो लग्जरी कार व्हाइट और ब्लैक में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तो ये व्हाइट कलर में ही है। और 2.0 TDI प्रीमियम इसका वेरियंट है और 2014 का मॉडल है, टैक्स अप टू 2024, सनरूफ भी है और ऑटोमेटिक है, डीजल वर्सन है इसका। किलोमीटर है 27,000 अप्रोक्स और प्राइस इसका हो जाएगा आप लोगों के लिए 16,15,000 ओनली। 16,15,000 में A4 आ जाएगा, ऑडी है। ठीक है, 2014 का है, टैक्स भी अप टू 24 तक टैक्स पे। हाँ चलिए बढ़ते हैं आगे। मैडम जी जान लेंगे सियाज। हाँ, ये मारुति सुजुकी का सियाज है, मारुति सुजुकी का भी रिक्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, एकदम काफी अच्छा। हाँ, और ये हाइब्रिड मॉडल है, अभी बहुत सारा रिक्वायरमेंट आता है हाइब्रिड कार का, तो मारुति बहुत अच्छा का समझ जाएगा। हाँ, अल्फा मॉडल है और 2019 का मॉडल है, आप गाड़ी देख सकते हैं, एकदम स्क्रैचलेस गाड़ी है, बहुत 19 का गाड़ी है, तो बहुत अच्छा कंडीशन में भी है। कितना किलोमीटर चला हुआ? ये चला हुआ है 15,000 ओनली, 15,000 ओनली चला हुआ है, 15,000 चला है ओनली, लाइक इट ब्रांड न्यू। हाँ, और 2019 का है, टैक्स अप टू 2024 तक है। okay. और प्राइस इसका हो जाएगा 8,75,000 ओनली। 8,75,000, तो 8,75,000 में आ जाएगा सियाज। ठीक है, 19 का गाड़ी है, 24 तक टैक्स पेड के साथ। हाँ, हाइब्रिड मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल है अल्फा। ठीक है, स्क्रीन में नंबर चल रहा है, फोन घुमाइए, आ जाइए, जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी आप लोगों को मिलेगा। मैडम जी जान लेंगे नेक्स्ट गाड़ी। हाँ,
ये आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं, हम लोगों का और एक ऑल्टिस था सिल्वर कलर में और ये ग्रे कलर में है। अच्छा। तब दिखाया नहीं था ये, ये भी सेम मॉडल है, 2014 का है और टैक्स अप टू 2024 तक है। सेम मॉडल जे मॉडल है और 25,000 किलोमीटर चली हुई है। ये ग्रे कलर में है, देख रहे हैं आप लोग। और इसका वेरिएंट तो मैंने बोल दिया, जे वेरिएंट। और इसका प्राइस है 6,90,000 ओनली। 6,90,000, हाँ। कुछ इधर उधर हो जाएगा? हाँ, वो तो आप लोग जरूर बोलेंगे कि सौरभ दा का वीडियो देखा था। जैसे बोलेंगे कुछ मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट गाड़ी। मैडम जी, BRV जानेंगे। ये होंडा BRV है जिसको 7 सीटर, थोड़ा प्रीमियम गाड़ी चाहिए तो 7 सीटर आपको होंडा BRV आ रहा है। अच्छा, 2016 का मॉडल है। okay. और टैक्स भी पेड है अप टू 2026 तक। टैक्स पेड तक टैक्स पेड है। हाँ, जस्ट इस ईयर में टैक्स पेड किया गया है। वेरी गुड। तो ये भी चला हुआ है, कम चला हुआ है, 27,000 ओनली चला हुआ है। okay. और इसका प्राइस आपका हो जाएगा 7,25,000। 7,25,000। यहाँ पर दो शायद BRV है। हाँ, दो BRV है, वो बाद में दिखाऊंगा। और आप लोग जो भी गाड़ी देख रहे हैं सर, मतलब ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट ओनर का गाड़ी है सब, पर ज्यादा फर्स्ट ओनर रहता है। हाँ, फर्स्ट ओनर का ही गाड़ी है। ठीक है, क्योंकि मैं आज तो नहीं, बहुत दिन सालों से मैं एक्चुअली यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो फर्स्ट ओनर रहता है। तो बेफिक्र आप लोग आ जाइए, स्क्रीन में नंबर चल रहा है मैडम का, मैडम को फोन करिए। कहाँ पर आना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एड्रेस, मैडम को फोन करिए, आ जाइए। और एक चीज़ मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, बाय फोन में नेगोशिएबल प्लीज मत करिए, जो होगा ऑन द टेबल, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कुछ ना कुछ नहीं, अच्छा कुछ ही होगा। ठीक है मैडम जी, जान लेंगे। ML 250 एकदम सॉलिड बल्की लुक्स। और मर्सिडीज का SUV बहुत बड़ा SUV है, लोगों का जो ब्रांड वैल्यू है यही अलग है। हाँ, यही अलग है। ठीक है, जान लेंगे इसके बारे में। और मर्सिडीज ML 250 2015 मॉडल है और व्हाइट कलर में है। लग्जरी कार में तो व्हाइट कलर चलता ही है, बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा चलता है। हाँ, और 36,000 चली हुई है। टैक्स भी अपडेट है, 2025 तक टैक्स पेड है। वेरी गुड, वेरी गुड। और फर्स्ट ओनर गाड़ी है। और प्राइस इसका, ये सनरूफ है, ऑटोमेटिक है, डीजल वर्सन है और इसमें तो बहुत सारा फीचर्स है। ऐसे भी सीरियसली एक चीज मैं बोलना चाहूंगा व्यूअर्स को, जो लग्जरी गाड़ी है उसमें फीचर्स बहुत सारा है, बहुत सारा। आप लोग अगर फीचर्स में बोलना चाहूंगा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। तो जो लोग जानता है प्रीमियम गाड़ी क्या है, वो लोग सब लोग जानता है जो इसमें कितना फीचर्स अवेलेबल रहता है। तो उतना मैं बोलूंगा नहीं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। हाँ, जान लेंगे प्राइसिंग क्या होगा। इसका प्राइस हो जाएगा 32,50,000 ओनली। 32,50,000। कौन से ईयर बोले? ये 2015 का है, टैक्स अप टू 2025 तक है। ओके, अच्छा, जिस टाइम आप लोग डिलीवरी करते हो उस टाइम तो पॉलिश कर लेंगे? हाँ, क्लीन पॉलिश, सर्विसिंग, ये सब हो जाएगा। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप गाड़ी जब डिलीवरी लेके जाएंगे एज न्यू, एज बहुत देख के न्यू टाइप का लगेगा। ठीक है, सेकंड हैंड लगेगा नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट मैडम जी, जान लेंगे फॉर्च्यूनर। हाँ, ये बहुत अच्छा डिमांड वाला गाड़ी है। हाँ, बोल सकते और मतलब जो सिलीगुड़ी वगैरह में पहाड़ी इलाका में चलने के लिए ये बहुत ज्यादा चलता है एकदम। और टोयोटा फॉर्च्यूनर पकड़ के चलता है। हाँ, एकदम। और 2012 का कार है, टोयोटा फॉर्च्यूनर, मैनुअल है और टैक्स अप टू 2022 तक है। ओके, इसका चली हुई है ये 60,000 ओनली। 60,000 ओनली। हाँ, जो है वही है, नो ऑटोमेटिक चेंज। हाँ, कोई चेंज नहीं होता है। वेरी गुड। और इसका प्राइस हो जाएगा 11,90,000। 11,90,000। तो 11,90,000 में फॉर्च्यूनर आ जाएगा। कौन सी ईयर बोले आप? 2012 का है। 12 का है, 22 तक टैक्स। हाँ, 22 तक टैक्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैडम जी, नेक्स्ट गाड़ी जान लेंगे। हाँ, नेक्स्ट गाड़ी है, ये भी होंडा का है, होंडा एकॉर्ड सेडान। में आपको एक SUV दिखा है, ये सेडान दिखा रही हूँ। okay. तो ये होंडा एकॉर्ड है, ये प्रीमियम सेगमेंट में ही जा रहा है होंडा का एकदम। और 2011 का कार है, लेकिन कंडीशन बहुत बढ़िया है। इंटीरियर देखेंगे तो बहुत बढ़िया कंडीशन में है। एक चीज तो मैं बोलूंगा सीरियसली, कार डील कॉम में जैसे आएंगे कंडीशन तो बहुत अच्छा ही मिलेगा। कंडीशन बहुत अच्छा मिलेगा और जब लेके जाएंगे तब एकदम नया कंडीशन में लेके जाएंगे। गाड़ी क्लीन पॉलिश सर्विसिंग हो गए, एकदम नया कंडीशन में। ओके, तो और फीचर्स जान लेंगे इसका। हाँ, ये टॉप मॉडल ही है, 2011 का है, 2.4 ऑटोमेटिक है और विथ सनरूफ भी है, पेट्रोल कार है। और इसका प्राइस हो जाएगा 5,25,000 ओनली। 5,25,000। तो 5,25,000 में सेडान आ जाएगा होंडा का।
43,000 किलोमीटर चली हुई है। भूल जाएगी थी मैम, तो 43,000 जेनुइन किलोमीटर चला है। ठीक है, नंबर घुमाइए, आ जाइए। हाँ। नहीं तो नहीं मिलेगा। चले नेक्स्ट गाड़ी मैडम जी, सनी जान। हाँ। लेंगे इसके बारे में। निसान सनी है ये, 2015 का मॉडल है। ओके। और टैक्स भी पेड है अप टू 2025 तक। यहाँ पे जितना भी गाड़ी है टैक्स अप टू डेट ही मिलेगा आपको एकदम। और ये चली हुई है 37,000 किलोमीटर और इसका प्राइस हो जाएगा 340। हाँ, तो 340 में सनी हो जाएगा। हाँ, 340,000 15 का गाड़ी है। 15 गाड़ी 25 तक टैक्स। हाँ, वेरी गुड। अच्छा एक चीज थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, इसमें तो फाइनेंस तो आराम से हो जाएगा। हाँ, फाइनेंस हो जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। एकदम। और उसका टाइम में तो थोड़ा सा जो जो बने क्लीन व्लीन करके एकदम। हाँ, हाँ, एकदम रेडी करके एकदम रेडी करके। आप 15 का गाड़ी क्यों, आप अगर 11 का भी गाड़ी लेंगे तो भी फाइनेंस हो जाएगा। 11 का भी फाइनेंस हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो बेझिझक आप लोग बिंदास फाइनेंस में ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 11 का गाड़ी भी हो सकता है। ठीक है, तो 3,40,000 चलिए। बट और ये होंडा सिटी है, होंडा का सेडान प्रीमियम दिखाया एकॉर्ड। और ये एक होंडा सिटी बहुत रिक्वायरमेंट है होंडा सिटी का, 2015 का है, वाइट कलर में है, टैक्स अप टू 2025 तक टैक्स पेड है। और ये चली हुई है 41,000 ओनली और इसका प्राइस हो जाएगा 6,90,000 विद सनरूफ है, VX मॉडल है। हाँ हो जाएगा। आप लोग जरूर बोलेंगे कि सौरभ दा का वीडियो देख के आए हैं, तो फिर आपके लिए एक बेस्ट प्राइस हो जाएगा। अच्छा मैडम जी, ऑडी A6। हाँ, जान लेंगे इसके बारे में। आप लोगों को दिखाया है पहले कि ऑडी A4 दिखाया है और एक ऑडी A6। A6 ग्रे कलर में है, ये बहुत अनकमन कलर है लग्जरी कार में। तो ऑडी A6 2014 का है, इसका टैक्स भी अपडेट है अप टू 2024 तक। फर्स्ट ओनर कार है और ये चली हुई है 34,000 किलोमीटर ओनली। इसका प्राइस हो जाएगा 15,50,000 ओनली। 15,50,000। अच्छा एक चीज थोड़ा तो मैं बोलना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, नाम ट्रांसफर के लिए कितना टाइम लगता है आप लोगों का? नेम ट्रांसफर विद इन मतलब वर्किंग डेज 10 डेज के अंदर नेम ट्रांसफर हो जाएगा। NOC? NOC भी सेम वर्किंग डेज 10 डेज ही टाइम लगेगा। हम लोग बाइक कुरियर भी भेज देंगे, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप गाड़ी डिलीवरी लेके जा सकते हैं, बाइक कुरियर आपको NOC करके भेज देंगे। तो कोई बिंदास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास आप लोग आ सकते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, स्क्रीन में नंबर चल रहा है मैडम का, आप लोग चाहेंगे तो थोड़ा सा अगर बोलेंगे इस गाड़ी का थोड़ा डिटेलिंग देने के लिए। हाँ, जरूर जरूर। ठीक है, तो 15,50,000। हाँ 15,50,000 मैडम जी। हाँ एक्चुअली सामने में जगह नहीं है क्योंकि गाड़ी का पूरा एकदम भंडार है। ठीक है, हम लोग उस तरफ जा नहीं पाएंगे, इसके वजह से पीछे से थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा देखने की कोशिश करिए। हाँ, इको स्पोर्ट्स जान लेंगे। हाँ, इको स्पोर्ट, फोर्ड इको स्पोर्ट कॉम्पैक्ट SUV में बहुत ज़्यादा रिक्वायर है एकदम। और 2014 मॉडल है, ऑरेंज कलर में है, ये कलर ही चलता है फोर्ड इको स्पोर्ट का। और 2014 का है, टैक्स अप टू 2024 तक टैक्स पेड है। और ये फर्स्ट ओनर गाड़ी भी है। okay. चली हुई है 45,000 किलोमीटर। जो है वही है। हाँ, जो है वही है। हाँ, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग खुद मैकेनिक लेके आ सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका प्राइस हो जाएगा 4,40,000 ओनली। 4,40,000। तो कुछ इधर उधर हो जाएगा। हाँ जरूर, सिर्फ आप लोग को आना पड़ेगा, जैसे आएंगे कुछ नहीं बहुत कुछ होगा। और तो कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर पेपर टेपर बोलिए एकदम सब नीट एंड क्लीन। हाँ नीट एंड क्लीन, उस तरफ लेके कोई झंझट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप लोग को आना पड़ेगा, सिर्फ अपना गाड़ी चूज करिए और लेके जाइए। लेके जाइए। ठीक है, तो प्राइस है 4,40,000। 4,40,000। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे मैडम जी, जान लेंगे BMW 320D। हाँ, आप लोगों को पिछले वीडियो में मैं एक दिखाया था BMW 320D। ओके, और ये मेरे पास और एक है 2011 का है। ओके, और इसका भी टैक्स पेड है अप टू 2026 तक टैक्स पेड है। फर्स्ट ओनर गाड़ी है और रेड कलर में है, आपका सनरूफ है, ऑटोमेटिक है, डीजल वर्सन है। और इसका किलोमीटर है 43,000 किलोमीटर। हाँ, 43,000 हो सकता है इतना गाड़ी। हाँ, याद रखना अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स ठीक ठाक मतलब। हाँ, जो है वही है, 9 ओडोमीटर छेड़छाड़। ठीक है, जान लेंगे। और इसका प्राइस हो जाएगा 9,25,000 ओनली। 9,25,000।
925,000 BMW 320D मिल रहा है बॉस। आइए फटाफट फोन घुमाइए, आइए, नहीं नहीं मिलेगा। लास्ट टाइम जो जो स्टॉक में दिखाया था निकल गया, फ्रेश स्टॉक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अरे मैडम जी, और एक BRV, मैं आप लोगों को बोला था ना, एक व्हाइट कलर में पहले में दिखाया था, और एक BRV, हाँ। काफी सारा यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, बिंदास जान लेंगे। वो मैनुअल था, ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक, हाँ। इसका डिमांड बहुत ज्यादा है। ऑटोमेटिक BRV दिखाई देते मिल गया। ऑटोमेटिक SUV है, और मतलब कलर ऐसे लग रहा है ब्लैक कलर में है, लेकिन एकदम पास ग्रे है, डार्क ग्रे। और 2016 का मॉडल है, और इसका फर्स्ट ओनर गाड़ी है, चली, हाँ, 26 तक टैक्स है। ये चली हुई है 48,000 किलोमीटर, वेरी गुड, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। लेकिन प्राइस इसका हो जाएगा 6,75,000 ओनली। 6,75,000, तो 6,75,000 में BRV आ जाएगा। ऑटोमेटिक गाड़ी है, दो दो मैनुअल भी है, ऑटोमेटिक भी है। आप लोग जैसे आएंगे काफी सारा ऑप्शन, हाँ, देखने को मिलेगा। ये पेट्रोल वर्सन है, वो डीजल वर्सन, और डीजल वर्सन, वेरी गुड, वेरी गुड। सोना पे सुहागा, पेट्रोल भी मिल गया, डीजल भी मिल गया, जो जिसका पसंद है आके ले जाओ जी। ठीक है जी, चलिए मैडम जी, लास्ट गाड़ी नॉट द लिस्ट, काफी बहुत सारा यहाँ पर गाड़ी है। यहाँ पर जैसे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा बाद में, अगर दिखाऊंगा तो गाड़ी का यहाँ पर भंडार है। लगभग कितना 60+ गाड़ी ऑल टाइम अवेलेबल रहता है यहाँ पर। जैसे आएंगे सेडान बोलिए, हैचबैक बोलिए, SUV टाइप बोलिए, MUV बोलिए, लक्सरी कार बोलिए, जैसा जिसका बजट है, हर बजट के हिसाब से यहाँ पर पूरा गाड़ी रेडी है। और सभी फर्स्ट ओनर गाड़ी है, क्वालिटी कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, लाजवाब। ठीक है, लास्ट गाड़ी जान लेंगे। ये भी मर्सिडीज है, आपको एक SUV दिखाया है, अभी सेडान में मर्सिडीज, और ये मर्सिडीज S-क्लास है। ओके, तो ये 2010 का मॉडल है, लेकिन आप इसका इंटीरियर या एक्सटीरियर जो भी देखिए, आप स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, तो वो बहुत अच्छा कंडीशन में है, और बहुत अच्छा पॉलिश करेंगे और भी, हाँ, चमकेगा। वो तो चमकेगा ही। एक्चुअली यहाँ पर पड़ा है, स्टॉकयार्ड में है, थोड़ा सा धूल है, मगर कोई इशू नहीं है। जैसे आप आएंगे देखेंगे, पॉलिश कर देंगे एकदम लाइक एंड न्यू। हाँ, ठीक है, जान लेंगे। तो 2010 का मॉडल है, और इसका फर्स्ट ओनर गाड़ी है, चली हुई है 15,000 ओनली, 15,000 ओनली, और इसका प्राइस हो जाएगा 17,50,000 17,50,000 में आ जाएगा, हाँ, S-क्लास 2010 का गाड़ी है। बिंदास आइए, देखिए, पढ़िए। आप लोग चाहेंगे तो मैकेनिक को भी साथ लेके आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसा आप लोग का बजट है, हर बजट के हिसाब से यहाँ पर गाड़ी मिल जाएगा। ठीक, हाँ। है, तो काफी सारा तो ऑप्शन दिखा चुके हैं आप। ठीक, हाँ। है, और कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट, थोड़ा आगे आइए। हाँ, लास्ट कुछ बोलना चाहेंगे आप लोग? जब गाड़ी लेके जाएंगे तब तो पॉलिश, क्लीन, सर्विसिंग, ये सब तो होगा ही, और आपको पेंट प्रोटेक्शन होके गाड़ी मिलेगा, और आपको रोड साइड असिस्टेंट भी मिलेगा गाड़ी का। हाँ, तो आप लोग गाड़ी लेके जाइए बिना टेंशन के। और कुछ बहुत शॉर्ट में छोड़ दिया ज़्यादा मैडम, एक्चुअली क्या है मैडम, ज़्यादा बकबक करता नहीं है, करती नहीं है, सॉरी, एक्चुअली मेरा हिंदी बहुत ख़राब है, बहुत फालतू टाइप का मेरा हिंदी है, बकवास टाइप का हिंदी है, थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। तो मैडम थोड़ा सा कम बकती है, ठीक है। तो जैसे भी हो, यहाँ पर एड्रेस जो है एकदम, थोड़ा सा एक बार लास्ट टाइम बोल दीजिए, जो भी बोला है सही बोला है वो तो काम के मायने सही बोलते हैं। एड्रेस है सॉल्ट लेक स्टेडियम, गेट नंबर 1, जो फुटबॉल स्टेडियम है, गेट नंबर 1 और 2 के बीच में ही है। और आपको फिर भी समझ में नहीं है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है वो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आराम से फ़ोन करिए। जैसे फ़ोन करेंगे आप लोग चाहेंगे तो एक एक गाड़ी का जो डिटेलिंग जानना चाहते हैं, व्हाट्सअप करना है, बोलिए, कर देंगे। हाँ, जो जो डिटेलिंग चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, ठीक है, और टाइम में खींचूंगा नहीं, एंड करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे और भी अच्छा गाड़ी के साथ, तब तक टाटा बाय बाय। और एक चीज़ थोड़ा सा मैं सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हो और गाड़ी पसंद करते हो, गाड़ी खरीदने वाले हो, तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी देते हैं, और उसके साथ साथ प्राइस जो होता है औसम सारा होता है। तो चलिए फिर मीट करते हैं नेक्स्ट टाइम और भी एक अच्छा गाड़ी के साथ। हाँ, तब तक टाटा बाय बाय, अच्छे रहिए, सेफ रहिए।